आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रथम दिन के ऊपर हम एक योग उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि विश्व के अनेकों देशों ने इस योग की पद्धति को स्वीकार किया है। आज भारत के प्रयत्नों के कारण, भारत के प्रयासों के कारण योग को विश्व मान्यता प्राप्त हुई है। तो भारत का ही कर्तव्य है कि योग को एक स्वरूप, समग्र स्वरूप में विश्व के सामने रखे। उसी ओर मैं आपको समर्पण ध्यान योग पद्धति के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। योग की अनेक पद्धतियाँ हैं, कौन सी पद्धति अच्छी है, कौन सी पद्धति अच्छी नहीं है, ये विषय नहीं है। जो सभी पद्धतियाँ अच्छी हैं, आपको जो भी पद्धति अनुकूल हो, जो पद्धति करना आसान हो, उस पद्धति को अपनाएं। जिस प्रकार से गणित को भी करने की अनेकों पद्धतियां रहती हैं, लेकिन किसी भी एक पद्धति को अपनाकर हम गणित को सुलझाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक ध्यान की पद्धति है। लेकिन ये ध्यान की पद्धति पिछले 800 सालों से हिमालय में ही स्थित थी और एक गुरु से एक शिष्य को, एक गुरु से एक शिष्य को, ऐसे परंपरागत तरीके से वो वहीं विकसित हो रही थी, वहीं तक सीमित थी। लेकिन ये एक समय आ गया है, ये समय आज अचानक नहीं आया है। इस समय के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी ने आज से 800 साल पूर्व इसके बारे में बताया था। उन्होंने ज्ञानेश्वरी में योग के ऊपर खूब लिखा, योग से क्या फ़ायदे होते हैं सब लिखा, लेकिन योग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, अनुभूति के ऊपर कुछ नहीं लिखा। तो उन्होंने अपने गुरु को भी पूछा कि मैं इतना सारा अनुभूति के ऊपर लिख रहा हूँ, इतना सारा अनुभव के ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन जब तक किसी को अनुभूति नहीं कर रहा हूँ तब तक लोगों के वो समझ में नहीं आएगा। तो उनके गुरु ने कहा ये तेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, तू उसके लिए अधिकृत नहीं है। अधिकृत समय जब आएगा तब ये कार्य सामूहिकता के साथ होगा, कलेक्टिविटी के साथ होगा। आज वही समय है जिस समय ये कार्य सामूहिकता से हो रहा है। इस समय के बारे में उन्होंने पहले ही सूचना दी हुई थी, ये कार्य भविष्य में होने वाला है। ये ध्यान की पद्धति एक अनुभूति के ऊपर आधारित है, अनुभूति के ऊपर आधारित है। यानी अनुभूति
अब जैसे बचपन में मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो बचपन से ही मैं उस परमात्मा की खोज में निकल पड़ा कि मुझे आज का परमात्मा चाहिए। और दूसरा ये मैं बचपन में ही जान गया था कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो फिर वो खोजते 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 हिमालय में जब पहुँचा और हिमालय में एक गुरु से मुझे वो अनुभूति प्राप्त हुई, वो अनुभव प्राप्त हुआ, और जो परमात्मा की खोज थी बाहर की ओर, वो भीतर की ओर मुड़ गई। तो भीतर की ओर मुड़ने के बाद में जाना कि परमात्मा अपने ही भीतर है, अपने ही अंदर है। तो यानी जब तक हमारे जीवन में हमको अंदर की ओर दिशा देने वाला कोई माध्यम हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हमारी सारी खोज बाहर की ओर होती रहती है। और दूसरा, उस अनुभूति को उन्होंने प्रसाद के रूप में बांटने के लिए मुझे कहा, उसके लिए अधिकृत किया, और पिछले 20 सालों से यही अनुभूति का प्रसाद अलग अलग देशों में बांट रहा हूँ। जापान से लेके कनाडा तक, सारे विश्व के देशों के अंदर इसका प्रचार प्रसार हुआ है, और अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के लाखों लोग इसके अंदर शामिल हुए और उन्होंने सबने उसके बड़े आनंद के साथ अपनाए हैं और उसके लाभों से लाभान्वित हुए हैं। दूसरा, जब कनाडा से लेके जापान तक ये पद्धति को अपनाया गया तो मैंने भावनगर को ही क्यों चुना, इसका भी एक उद्देश्य है। जिन गुरुओं ने मुझे अनुभूति कराई, जिन गुरुओं ने मुझे अनुभव कराया, वो गुरु शिव बाबा भावनगर के ही थे, और उन्होंने इसको प्रसाद के रूप में बांटने के लिए मुझे अधिकृत किया था। और दूसरा, अनुभूति जीवंत गुरु के बिना नहीं हो सकती, ये मेरा 50 साल का अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ। जिस प्रकार से चित्र की गाय देख करके हम जान सकते हैं, गाय को चार पैर होते हैं, गाय को दो सींग होते हैं, गाय को एक पूंछ होती है, लेकिन हम चाहें कि चित्र की गाय दूध दे तो वो दूध नहीं दे सकती है, इसलिए हमको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। मैंने जीवन में एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, एक लाइन भी पढ़ी हुई नहीं है, एक पुस्तक भी पढ़ी हुई नहीं है, उसके बावजूद भी इंग्लैंड की थियोसॉफिकल सोसाइटी मेरे को हर बार वहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाती है, प्रवचन देने के लिए बुलाती है। मैं उनको बोलता हूँ, तुम दिन भर साल भर तक गाय का चित्र देखते हो और एक दिन गाय का दूध पीते हो। तो कहने का मतलब, बिना जीवंत गुरु के अनुभूति संभव नहीं है। तो जब तक पुस्तकें हमको दिशा दे सकती है, हमको ज्ञान दे सकती है, जैसे आज से 15 साल पहले मैं जो मुंबई में छोटे छोटे कार्यक्रम लेता था, तो उस कार्यक्रम के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान आते थे जिन्होंने योग के ऊपर 30 साल से पुस्तकें लिखी थी, और उसके बाद में वो हर प्रवचन में आके पूछते थे, स्वामी जी आप तो प्रवचन में ये बोल रहे हो और वो ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, ऐसा बार बार बोलते थे। बाद में मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई और एक दिन उनको मैंने कहा, एक काम करो, कल सवेरे अंगूठा छाप बन करके मेरे घर पे आओगे क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने बोला आओ। तो वो जब आए, आने के बाद में मैं ध्यान करते बैठा था और वो भी ध्यान में बैठ गए, और उनको 1.25 घंटे ध्यान लगा। और उसके बाद में ध्यान में से उठने के बाद में उन्होंने पूछा, स्वामी जी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान मेरा आज तक कभी नहीं लगा, क्यों? तो मैंने उनको उत्तर दिया, तुम कार सहित आए हो तो कार लेके मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर छोड़ी और पैदल 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 घर में आए। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकें हमको परमात्मा तक पहुँचा सकती है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकती। अगर हमको अनुभूति कराने का है, अनुभव करने का है, तो हमको समर्पित होना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब, वो अनुभूति प्राप्त करने के बाद में उन्होंने भी जाना कि ध्यान क्या है, मेडिटेशंस क्या है, और उनको एक अच्छा ध्यान लगा। दूसरा, अनुभूति एक विज्ञान है। दूसरा देखो कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ। समझ लो एक मुसलमान है, वो कुरान तब पढ़ सकता है जब वो शिक्षित है। हाँ, एक बाइबल है, वो बाइबल एक क्रिश्चियन तब पढ़ सकता है जब वो शिक्षित है। एक हिंदू है, वो गीता तब पढ़ सकता है जब वो शिक्षित है। अगर ये सब अंगूठा छाप है तो वो सब पुस्तकें उनके कोई काम की नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये अनुभूति का ज्ञान है। ये अनुभूति का ज्ञान आप ग्रहण करो, और ग्रहण करके आप अपने अपने धर्मों को समझो। वास्तव में हम जिसको धर्म बोल रहे हैं ना, वो उपासना पद्धतियाँ हैं। वास्तव में धर्म तो एक ही है, वो है मनुष्य धर्म।
तो वो जब आपका जागृत हो जाए उसके बाद में फिर बाकी सारी जाति धर्म देश ये सब भेदभाव टूट जाते हैं और उसके बाद में सब लोग एक मन से एक भाव से एकत्र होते हैं। गत वर्ष मैंने पालीताना में 80 जैन मुनियों का शिविर लिया था और उसके बाद में जो आदिनाथ भगवान का मंदिर है उस मंदिर पे उनको लेके गया और मंदिर में जाने के पूर्व उनको एक स्थान पे बिठाया, वहाँ एक घंटा ध्यान कराया, एक घंटा मेडिटेशन कराया और मेडिटेशन करने के बाद में चित्त से जाना कि वो आदिनाथ भगवान की मूर्ति के अंदर नाभि में वाइब्रेशन से, नाभि वाइब्रेशन से यानी क्या, जिस समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई तो उस समय उनका लक्ष्य था कि जो भी इस मूर्ति के दर्शन करे उसको समाधान प्राप्त होना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होना चाहिए, इसलिए नाभि के अंदर खूब सारे वाइब्रेशंस है। तो सब जैन मुनियों को बताएं एक काम करो, अब अपने नाभि के ऊपर चित्त रख के आप उसका दर्शन करने के लिए जाओ। तो जैसे नाभि पे चित्त रख के जैन मुनि दर्शन करने के लिए गए, उनको नाभि पे स्पंदन महसूस हुए। तो कहने का मतलब ये क्या, तो वो जैन मुनि बोले स्वामी जी 50 साल से हम ये जैन मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं लेकिन ये अनुभूति हमको कभी नहीं हुई। तो कहने का मतलब जब आप उस अनुभूति के ज्ञान को ग्रहण करते हो तो किस मूर्ति में वाइब्रेशन से, किस मूर्ति में किस जगह वाइब्रेशन से इसका ज्ञान हो जाता है, किस पुस्तक में वाइब्रेशन से इसका ज्ञान हो जाता है और अनुभूति के आधार पर आप पूरे विश्व को समझ सकते हो, सारे पुस्तकों को समझ सकते हो, सारे स्थानों को समझ सकते हो, पवित्र क्षेत्रों को समझ सकते हो, मूर्तियों को समझ सकते हो। केवल एक ही बात कह रहा हूँ, एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि योग को अपेक्षा के साथ ग्रहण मत करो। अपेक्षा सारे क्या बोलते हैं प्रॉब्लम की, सारी समस्याओं की जड़ है। मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाने का प्रयास करता हूँ। 4 साल पूर्व मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था और ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई और पांचों योगा टीचर जैसे एक आधे फैक्ट्री में से गुड़िया निकलती ना वैसे खटक 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 एक ही साइज की एक ही प्रकार की पांचों का फिगर था, पांचों का शरीर था और पांचों का एकदम कमजोर चित्त था। कोई योगा टीचर मिलने के लिए आता है तो साधारणतः हमारी अपेक्षा हो जाती है कि वो योगा टीचर है तो उसका चित्त भी शुद्ध होगा, उसका चित्त भी पवित्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका चित्त एकदम कमजोर था, एकदम वीक था। तो मुझे थोड़ा विचित्र लगा और उसके बाद में फिर घर जाके जब इस बारे में सोचा तो मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की अगर मिरर देखती थी, आईना देखती थी तो मेरी नानी जोर से डांट लगाती थी, बार बार मिरर मत देखे, बार बार आईना मत देखे। तो मेरे को ऐसा प्रश्न उठता था वो लड़की मिरर देख रही है नानी का क्या जा रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा वास्तव में क्या है, वो बार बार मिरर देखेगी, बार बार आईना देखेगी तो अपने शरीर को देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी और शरीर के ऊपर अगर खूब ज़्यादा चित्र डालोगे तो क्या होगा, चित्त का नाश होगा क्योंकि शरीर नाशवान है। तो ऐसे नाशवान इसके ऊपर अगर आप अधिक चित्त डालोगे तो आपके चित्त का नाश होगा। उसके बाद में एक आश्रम के अंदर वो पांचों योगा टीचर मिली और उनको मैंने बताया आप इस मार्ग के अंदर केवल शरीर सुंदर और सुडोल बनाने के लिए आई थी ना, तो वो बोली हाँ स्वामी जी मैं हम स्वीकार करते हैं हम योग मार्ग में केवल शरीर को सुंदर और सुडोल बनाने के लिए आए थे, अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं था। मैंने बोला हो गया ना अब सुंदर सुडोल शरीर बन गया लेकिन चित्त का सत्यानाश हुआ है उसका क्या। हाँ बोले स्वामी जी हो तो गया है अब क्या करें। मैंने उनको बोला अब चित्त ऐसी स्थान पे रखो जो नाशवान नहीं है, लोग पागल बोले तो भी चलेगा, रोज एक घंटा आकाश की तरफ देखो तो क्या होगा, आकाश नाशवान नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त सशक्त होगा। कहने का मतलब योग के अंदर अपेक्षा के साथ मत आओ, अगर साथ में आओगे तो वो उचित नहीं होगा, आप संपूर्ण योग को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। अगर योग को ग्रहण करने का कोई अपेक्षा नहीं, जैसे अभी मैं आपको ध्यान कराऊंगा लेकिन आपका ध्यान लगना चाहिए ये भी अपेक्षा मत करो, रोज 30 मिनट ध्यान करने के लिए बैठो, ध्यान लगे तो भी बैठो, नहीं लगे तो भी बैठो। क्या होता है जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना तो सबसे पहले 20 मिनट तक हमारा शरीर ही हमारा विरोध करता है, क्योंकि क्या है शरीर के अंदर एक व्यवस्था दी हुई है, अगर शरीर निष्क्रिय है तो मन सक्रिय है और मन सक्रिय है तो शरीर निष्क्रिय है, तो मैंने एक सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम के विरोध में हम कार्य करते हैं, हम शरीर को भी निष्क्रिय करते हैं और मन को भी निष्क्रिय करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा शरीर उसका विरोध करेगा। तो होता क्या है जहाँ खुजाल नहीं छूटी वहाँ खुजाल छूटेगी, उसके बाद में गैसेस पास होगी, उसके बाद में डकारें आएंगी, उसके बाद में किसी को खांसी आएगी, ऐसे विभिन्न प्रकार के विरोध शरीर की तरफ से हमको होते हैं और उसके बाद में फिर मन विचलित होगा, कभी इधर के विचार आएंगे, कभी उधर के विचार आएंगे, कभी उधर के विचार आएंगे,
और उसके बाद में फिर बुद्धि जागृत होगी, और बुद्धि जागृत होकर आपको ऐसा कुछ तो भी काम याद दिलाएगी, अरे इतना अर्जेंट काम पड़ा हुआ है, तू ये कहाँ ध्यान करने बैठा है, वो अर्जेंट काम कर, ऐसा करके आपको इतना उसका अर्जेंसी दिखाएगी कि आप ध्यान छोड़ करके आप चले जाओगे, और बाद में ध्यान से उठने के बाद में वो काम याद भी नहीं आएगा कि काय के लिए उठे थे। वास्तव में बुद्धि ने आपको उठाने के लिए, आपको वहाँ से उस आपकी साधना को भंग करने के लिए आपको मिसगाइड किया था। तो ऐसा कितना भी हो, आप एक क्या बोलते हैं ना, समय दान देते, वैसे एक आधा घंटा मुझे समय दान दो कि आधा घंटा मैं ध्यान करूँगा या ध्यान करूँगी, चाहे ध्यान लगे या ना लगे, ध्यान करने की, ध्यान लगने की अपेक्षा भी मत रखो। ऐसा अपेक्षा रहित अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशंस करते हो, तो आपके आसपास एक आभा मंडल बनेगा, आपके आसपास एक गोरा बनेगा। एक बार रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का मैंने शिविर लिया था, तो शिविर के पश्चात डॉक्टरों ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, आप डायरिया डिसेंट्री तो बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से आता हूँ उस कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको खूब आश्चर्य लगा, ये स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा, ये स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं। तो मठाधीश ने कहा, जो ध्यान करता है, जो मेडिटेशंस करता है, वो उसके आसपास एक आभा मंडल निर्माण कर लेता है, वो उसके आसपास एक ओरा निर्माण कर लेता है, और वो ओरा लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपके आसपास का विश्व वैसा ही होगा, वैसे ही शांत होगा, वैसे कल्याणकारी होगा। तो सारे विश्व को हम नहीं सुधार सकते, हम सुधार सकते हैं अपने विषयों को। तो आप अपने आप के विषयों को सुधारो, अगर आप अपने आप के विषयों को सुधारोगे तो हो सकता है एक दिन विषयों में शांति आए, एक दिन विषयों का कल्याण हो, लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको आपसे ही करना होगी। अभी कुछ माह पूर्व ही मैं अरब राष्ट्रों की दौरा करके आया हूँ, अरब राष्ट्रों में ध्यान सिखाया, अरबों को ध्यान सिखाया, अरबों को मेडिटेशन सिखाया। तो यहाँ से एक साधक का SMS गया, स्वामी जी वहाँ क्या अरब आपका इज्जत कर रहे हैं क्या, वो आपसे सीख रहे हैं क्या, आपसे ले रहे हैं क्या? तो वहाँ जो शेखों को मैं मेडिटेशन सिखा रहा था उसकी एक फ़ोटो मैंने उसको व्हाट्सएप करके भेजी, देख यहाँ पे भी वही स्थिति है, यहाँ पे भी वही वातावरण है, माने दुनिया में मैं किसी भी कोने में जाऊँ मेरे आसपास का विश्व वैसा ही है, शांत है, कल्याणकारी है, ग्रहण करने वाला है, सकारात्मक है। तो ऐसा विश्व आप अपना निर्माण कर सकते हो। और दुनिया में ये मत देखने जाओ कहाँ कहाँ क्या क्या बुरा हो रहा है, होगा क्या मालूम है, अंधेरा कहाँ तक है वो ढूंढने जाओगे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अंधेरा समाप्त नहीं होगा। आप बस आपका दिया जला लो, आपके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, तो वो अपने हाथ में है। तो आप आपके आत्मा का दीपक जला लो, आत्मा का दीपक जलाने के बाद में उसके प्रकाश में सबसे पहला अगर होगा तो आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। जिस दिन आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाए उस दिन समझ लेना आपकी प्रगति हो रही है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आपका योग हो रहा है। योग का मुख्य उद्देश्य है शरीर से आत्मा का योग, और आत्मा को आत्म साक्षात्कार से प्राप्त किया जा सकता है, कुछ नहीं है। अब आपको जिज्ञासा होगी, आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसे कौन से वाक्य हैं, ऐसे कौन से मंत्र हैं जिस मंत्र के द्वारा पूरा विश्व जुड़ा हुआ है और सब विश्व के सभी जाति के सभी धर्मों के लोगों ने उसको स्वीकार किया है। उसके बारे में जैसे शक्कर है कि नहीं, वो खूब मीठी है, खूब मीठी है, कितना भी बताए तो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन शक्कर कितनी मीठी है उसका अनुभव कराए, एक चम्मच खिलाई तो समझ में आएगा। तो वही मैं आपको खिलाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपल मंत्र है, साधा मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो उसमें क्या है मन में, ये बोलने के लिए सब लोग राजी है, कौन बोलेगा मैं लुच्चा आत्मा हूँ, मैं बदमाश आत्मा हूँ, सब बोलेंगे मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो विश्व में सब लोग उसको बोलते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं। केवल ये बोलते समय वो एहसास करने का है जो आप बोल रहे हो। तो जब आप बोल रहे हो ना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तब आप महसूस करो कि अलग अलग जाति में मैंने धर्म जन्म लिया फिर भी मेरी पवित्रता बनी हुई है, अलग अलग धर्मों में मैंने जन्म लिया तो भी मेरी पवित्रता बनी हुई है, अलग अलग देशों में मैंने जन्म लिया फिर भी मेरी पवित्रता बनी हुई है। इसका मतलब देश का, जाति का, धर्म का, भाषा का कोई भेदभाव आत्मा के क्षेत्र में नहीं है। दूसरा, जब आप बोलोगे मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप भूल जाओ कि आप कौन हैं, कौन से जाति के हैं, कौन से देश के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से पोस्ट पे हैं। अपने आप को केवल आत्मा समझो, इतना समझो कि आप स्त्री है क्या पुरुष है, ये भी भूल जाओ, माने लिंग का भी भेदभाव भूल जाओ, सब भेदभाव भूल जाओ, आप एक शुद्ध आत्मा हैं। सिर्फ ऐसा महसूस करो, ऐसा महसूस करोगे तो आपको खूब महसूस अच्छी शांति प्राप्त होगी।
अब कुछ नहीं, अब हम एक 5 मिनट ध्यान करेंगे और साथ में बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने चित्त को तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। प्रार्थना करो, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सफल हो और सारे विश्व में मनुष्यता का विकास हो और मानव जाति का कल्याण हो, सबकी शुद्ध इच्छा है, यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है, यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। एक्चुअली ये सब बताने के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि केवल कान को पकड़ करके शरीर की कल्पना न की जाए। अष्टांग योग के केवल एक पादान आसन है, 7 पादाने और भी है और अंतिम पादान समाधि है। तो एक अच्छा लक्ष्य आज आपने जीवन में रखा है और आज से ही शुरुआत कीजिए ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के ऊपर आप शुरुआत कीजिए कि हम नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशंस करेंगे। कुछ नहीं, ये साधे शब्द हैं, सरल शब्द हैं, लेकिन आप देखेंगे आप आधा घंटा करेंगे ना तो आधे घंटे के अंदर आपको लाखों लोगों की सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी, लाखों लोगों की कनेक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि लाखों लोग इस पद्धति से ध्यान कर रहे हैं, इस पद्धति से मेडिटेशंस कर रहे हैं। और नियम बनाना, एक आधा घंटा ध्यान करेंगे और दूसरा ध्यान लगे या न लगे, ध्यान लगने की अपेक्षा से ही मत करो,
तो आप देखेंगे एक आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, फिर आपके जीवन में एक एक चेंज आना चालू हो जाएंगे। पहला चेंज आएगा आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, दूसरा चेंज आएगा आपको सुरक्षा प्राप्त होगी, अंदर से भी सुरक्षा प्राप्त होगी बाहर से भी सुरक्षा प्राप्त होगी। अंदर से सुरक्षा से मेरा आशय ये है आत्महत्या से, जो लोग आत्महत्या करते कि नहीं उनको उनको वो क्यों करते हैं, क्योंकि अपने आप को वो अकेला समझ लेते हैं, वो भी नहीं होगी। ये इस आधार पर बता रहा हूँ, इस अनुभव से बता रहा हूँ कि विश्व में लाखों साधक हैं, आज तक किसी भी साधक ने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि कोई भी साधक अपने आप को अकेला समझता ही नहीं। वो जानता है कि मैं विश्व के लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी मेरे साथ है। होता क्या है मालूम है, जो आत्महत्या करता है ना वो व्यक्ति पहले अपने आप को छोटा करता है, समाज से अपने को अलग करता है, फैमिली से अपने को अलग करता है, अपने अस्तित्व को छोटा करके नष्ट कर लेता है। लेकिन जब अपने अस्तित्व को अलग नहीं कर पाएगा तो नष्ट नहीं कर पाएगा, और इतने लाखों लोगों के अंदर भी एक भी साधक ने आज तक कभी आत्महत्या नहीं की। तो इस आधार पर आपको कह सकता हूँ कि आपको अंदर से सुरक्षा प्राप्त होगी, और बाहर सुरक्षा से आशय है आपकी कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। होगा कहीं आपके आसपास होगा, आपके सामने होगा, दुनिया में क्या हो रहा है वो मत देखो। एक बार मैं विदेश जा रहा था तो एक एयरपोर्ट के ऊपर एक कस्टम ऑफिसर खूब दौड़ते 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 आया आया और खूब हाँफते हुए मुझे पूछा, स्वामी जी इतने आतंकवाद हो रहा है, इतने बम विस्फोट हो रहे हैं, इतना बुरा बुरा हो रहा है, क्या आप बोलते हो कि ध्यान करो ध्यान करो। मैंने बोला कहाँ हो रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने उसको कहा देख तेरी नज़र इधर है इसलिए तेरे को ये सब दिख रहा है कि आतंकवाद हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं, मेरी नज़र इधर है तो मेरे को दिख रहा है। 15 साल में एक गुफा से निकला हुआ व्यक्ति विश्व स्तर के ऊपर पहुँच गया है, विश्व में अनेकों देशों के अंदर उसके सेंटर्स हो गए, अनेकों देशों में उसके आश्रम हो गए, कितना गुरु कार्य हो रहा है और निःशुल्क एक पैसा भी नहीं लेते हुए इतने कार्य का विकास हुआ है, ये कैसे संभव है। तो मुझे तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो होता क्या है मालूम है, जिस समय पेंडुलम सरीका रहता है दुनिया में, जिस समय बुरी घटनाएं घटती रहती ठीक उसी समय दुनिया के अंदर अच्छी घटनाएं भी घटती रहती, केवल आपका चित्त कहाँ पे है वो देखो। सदैव वही है ना स्विंग, जैसे घड़ी का आटा घूमता है ना वैसा प्रकार है कि जिस समय दुनिया में बुरी घटनाएं घट रही ना उसी समय जीवन में अच्छी घटनाएं भी घट रही, सिर्फ आपका चित्त कहाँ है उसके ऊपर है। तो उसके अंदर ही आपको दुनिया अच्छी या बुरी दिख सकती है। तो आवश्यकता है जो अच्छा हो रहा है उसके तरफ ध्यान दो। हो सकता है दुनिया में इस समय बुरी घटनाएं भी हो रही हो, लेकिन कितनी बड़ी घटना है कि 177 देशों के अंदर एक योग को प्रोत्साहन दिया है, योग को माना है, योग को मान्यता दी है, खूब बड़ी घटना है। तो आवश्यकता है ऐसी बड़ी घटना के साथ अपने आप को जोड़ लो, आज से जोड़ लो ना, आज से योगासन करना प्रारंभ करो, आज से योग करना प्रारंभ करो, आज से ध्यान करना प्रारंभ करो। योगासन से ही फायदा है, एक सामान्य मनुष्य ध्यान जितने जल्दी नियंत्रित नहीं कर सकता उससे अच्छा है योगासन कर सकता है। क्यों, योगासन से शरीर पे नियंत्रण करना आ जाएगा। ये मैंने बताया ध्यान योग करने बैठोगे तो 20 मिनट आपका शरीर ही विरोध करेगा, लेकिन अगर आप योगासन करते हो तो आपका आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, आपका आपके सांस के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, जब ध्यान करने के लिए बैठोगे, जब समाधि करने के लिए लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर आपके विरोध में खड़ा नहीं होगा। अन्यथा 30 मिनट के ध्यान में 20 मिनट में हमारी फाइटिंग चलती रहती है हमारे आपस में। एक बार एक न्यूजीलैंड के साधक ने मुझे पूछा, स्वामी जी जो लोग ध्यान करते हैं उनका चेहरा ऐसे खींची हुई प्लास्टिक के थैली जैसा क्यों होता है। मैंने उनको उत्तर दिया, नहीं, जो ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं उनका चेहरा ऐसा होता है, जो लोग ध्यान करते हैं उनका चेहरा एकदम शांत रहता है, एकदम अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब अपने आप से फाइटिंग मत करो, ये तभी संभव है जब आप योगासन करो। तो योगासन करके पहले 20 मिनट का समय आप बचा सकते हो, आपके शरीर पर नियंत्रण योगासन से हो सकता है, लेकिन योगासन भी अपेक्षा के साथ मत करो। शरीर सुंदर और सुडौल बनाने के लिए योगासन कर रहे ऐसा नहीं, योगासन आप आपके ऊपर नियंत्रण करने के लिए कर रहे हैं, उसकी प्रयत्न करो, उसका प्रयास करो। तो जब ध्यान करने बैठोगे, जब अष्टांग योग की 8वीं पादान पे पहुंचोगे तो आपका शरीर आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके विरोध में खड़ा नहीं होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने मुझे आमंत्रित किया और विशेष यानी भावनगर में आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। नमस्कार।